फ्रेंड्स, मेरा नाम जोगिंदर सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला में मैं कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। यहाँ पे हम बहुपद का मान बहुपद के शून्यक की जानकारी लेंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बहुपद की जानकारी दी थी, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक चर में बहुपद। तो हमने वहाँ पे नाम दे दिया था, मान लीजिए पी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स है, हमने इस बहुपद का नाम दिया। हम एक बहुपद ले लेते हैं कि x प्लस 4 है, ये बहुपद का नाम दे दिया हमने पी एक्स। बहुपद क्या है? x प्लस 4। अगर अभी हमें कोई कहे कि इस बहुपद का मान जब x बराबर है 2 हो तो इस बहुपद का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको? x की जगह आप 2 रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 6। तो पी एक्स का मान जब x बराबर 2 है तो क्या होगा? 6। अगर मैं कोई और वैल्यू लूँ, x बराबर है -1 लें, तो p बहुपद का मान x की जगह -1 पुट करेंगे, 1 प्लस 4 जो है वो कितना हो गया? 3। -1 प्लस 4, ये है बहुपद का मान निकालना। अब बात करते हैं हम बहुपद के शून्यक की। शून्यक वो चीज़, x का वो मान जो इसमें रखने पर इसको क्या बना दे? शून्य बना दे, जीरो बना दे। हमारे पास पी एक्स जो है बहुपद x प्लस 4 है। अगर मुझे शून्य के निकालना है, शून्य के निकालने के लिए आप हमेशा इसको किसके बराबर पुट कर दें? जीरो के बराबर पुट कर दें। x प्लस 4 बराबर है जीरो, क्योंकि हमने शून्य के निकालना है, शून्य के बराबर रख दिया, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? -4। तो x की वैल्यू जो -4 है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरे बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब अगर हम x की जगह -4 पुट करें, -4 प्लस 4, ये क्या हो गया? जीरो। बहुपद का मान -4 पे क्या आ जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये जो है ये शून्यक है, ये इस बहुपद का शून्यक है। और मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास पी एक्स बराबर है 2x प्लस 3 है। अगर मुझे इसका शून्य का निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इसको शून्य के बराबर पुट कर दूंगा। पहले 3 उधर जाएगा तो क्या हो गया? -3। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ पर इस पी एक्स का जो शून्यक है, पी एक्स का शून्यक ये क्या हुआ? -3/2। -3/2 अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो पी एक्स का मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इस तरह हमने इनके शून्यक निकालने हैं। ठीक है, चलिए हम इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? निम्नलिखित पर जो हमें ये दिए हुए हैं, बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x के मान दिए हुए हैं, हमने बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा है, माना इस बहुपद को हमने पी एक्स मान लिया। पी एक्स हमारे पास है 5x-4x² + 3। तो पहले का जो सॉल्यूशन होगा, x बराबर है 0 है हमारे पास, तो बहुपद का मान 0 के ऊपर, x का मान 0 में रखूंगा तो क्या होगा? 5×0-4×0² + 3। अब हमें ये पता है कि 0 को किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करते थे वो 0 हो जाता है। 5×0 = 0, -4×0 = 0+3, 0 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 होगी। वेन जब x बराबर 0 है तो हमारे पास बहुपद का मान कितना आ गया? 3 आ गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास x का मान कितना है? -1 है।
एक्स बराबर माइनस एक, तो पी माइनस एक, एक्स की जगह हमने माइनस एक पुट करना है, पाँच गुणा में माइनस एक, माइनस चार गुणा में माइनस एक का स्क्वायर प्लस तीन, पाँच को माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस पाँच, माइनस चार गुणा में माइनस एक का स्क्वायर प्लस का एक ही रहेगा, प्लस तीन हो गया, माइनस पाँच, माइनस चार और प्लस का तीन, माइनस पाँच माइनस चार, माइनस के नौ प्लस का तीन, माइनस नौ प्लस का तीन कितना हो गया, माइनस के छः हो गए। तीसरे में क्या है हमारे पास, x बराबर है दो, x बराबर दो पे बहुपद का मान p टू, x की जगह दो पुट कर दीजिए, पाँच गुणा में दो, माइनस चार गुणा में दो की शक्ति दो और प्लस में तीन हो गया, पाँच गुणा में दो दस, दो का स्क्वायर चार हो गया, चार, चार गुणा में चार प्लस का तीन, दस, माइनस के सोलह और प्लस के तीन, दस और तीन तेरह, प्लस के तेरह हो गए माइनस के सोलह, तो माइनस कितना हो गया, तीन हो गया। तो आपने देखा बहुत ही आसान से हैं। चलिए अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी शून्य, पी एक और पी दो ज्ञात कर दें। यहाँ पे एक दो तीन चार भाग दिए हुए हैं, चार में से कोई हम दो कर लेते हैं, दो आपने करने हैं। मान लीजिए हमने पहला हम लेते हैं, हमारे पास पी वाई बराबर है वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस एक, ये है। और मुझे किस किस का मान निकालना है, पहले पी ज़ीरो, पी ज़ीरो अगर मैं निकालूंगा तो y की जगह मैंने क्या निकालना है, क्या रखना है, ज़ीरो रखना है, y की जगह ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस एक, ज़ीरो ही रहेगा, ये भी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक बच गया। आगे किसका मान निकालना है, पी एक निकालना है, तो एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक, एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक माइनस एक, या यहाँ से हम काट देते तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी, P1 का मान कितना आ गया, एक आ गया। अब P2 का मान निकालना है, Y की जगह दो पुट कर दीजिए, दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक, दो का स्क्वायर चार माइनस दो प्लस एक, चार प्लस एक पाँच, पाँच में से दो गया, कितना हो गया, तीन हो गया। तो हमने तीनों मान यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब ये दोनों आप करेंगे, ये फोर्थ में समझा देता हूँ। हमारे पास पी एक्स बराबर है एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक है, यहाँ पे भी हमने पहले पी शून्य निकालना है, एक्स की जगह शून्य पुट करेंगे, शून्य माइनस एक, शून्य प्लस एक, ये वैल्यू हमारे पास माइनस एक हो गई और ये हो गया प्लस का एक, माइनस एक को प्लस एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक, तो पी शून्य का मान माइनस एक हो गया। पी वन का मान निकालते हैं, हम एक का मान निकालते हैं, तो एक्स की जगह एक माइनस एक और एक प्लस एक, एक माइनस एक क्या हो गया, शून्य, एक प्लस एक दो, लेकिन शून्य को किसी से भी गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर पी दो ज्ञात करना है, एक्स की जगह हमने दो पुट किया, दो माइनस एक और दो प्लस एक हो गया, दो में से एक गया एक, दो प्लस एक तीन, एक को तीन से गुणा किया तो P2 का मान कितना आ गया, तीन आ गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये हमने चेक करना है या नहीं। पहले पार्ट में हमें पी एक्स बहुपद ये दिया हुआ है तीन एक्स प्लस एक और मान दिया हुआ है एक्स बराबर माइनस एक बटा तीन। अगर ये मान रखने से इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो वो शून्यक है, नहीं तो नहीं। तो पहला हम भाग करते हैं, पी एक्स हमारे पास तीन एक्स प्लस एक है और हमने मान किसके ऊपर निकालना है, माइनस एक बटा तीन, एक्स का मान माइनस एक बटा तीन पुट कर दिए, तीन गुणा में एक्स की जगह माइनस एक बटा तीन प्लस का एक, ये तीन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू माइनस एक प्लस एक, ये वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पे ये वैल्यू होगी शून्य। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने सिर्फ क्या लिखना है, शून्यक है, ठीक है। एक्स बराबर माइनस एक बटा तीन इसका क्या है, शून्यक है भाई। दूसरे पार्ट में क्या है, हमारे पास पी एक्स है पाँच एक्स माइनस पाई, पाँच एक्स माइनस पाई, और हमने किसके ऊपर निकालना है, एक्स बराबर चार बटे पाँच पे, पी चार बटे पाँच। तो पाँच गुणा में एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, चार बटे पाँच और माइनस पाई, पाँच से पाँच कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा चार माइनस पाई, ये तो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या है, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वेयर माइनस एक। अब यहाँ पे दो मान है, एक और माइनस एक, तो अगर मैं पी एक निकालता हूँ तो क्या होगा, एक का स्क्वेयर माइनस एक, एक का स्क्वेयर एक हो गया, माइनस एक शून्यक है। ऐसे ही पी माइनस एक, माइनस एक का स्क्वेयर माइनस एक, माइनस एक का स्क्वेयर एक, माइनस एक, ये भी शून्य होगा, दोनों ही शून्यक हो गए। तो x बराबर एक और माइनस एक शून्यक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा, फोर्थ हमारे पास क्या है, पी एक्स का मान x प्लस एक और x माइनस दो है, x प्लस एक x माइनस दो, x का मान माइनस एक और दो। तो पहले मैं किस पे निकालूंगा, p माइनस एक रखता हूँ, माइनस एक रखूंगा तो यहाँ पे माइनस एक प्लस एक और माइनस एक माइनस दो, माइनस एक प्लस एक ज़ीरो हो गया और गुणा में माइनस तीन, जीरो के साथ कुछ भी गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये शून्यक हो गया। अगर हम दो पुट करते हैं, पी दो एक्स की जगह दो प्लस एक और यहाँ पे दो माइनस दो, ये हो गया तीन, लेकिन ये हो गया शून्य, तो ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर माइनस एक और दो क्या है, शून्यक है, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो पार्ट है, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब हमने पी जीरो का मान निकालना है, तो जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, तो एक्स बराबर जीरो क्या आ गया हमारा, शून्यक है, क्योंकि जीरो बन रहा है तो ये क्या हो गया, शून्यक हो गया, बहुत ही आसान सा है। छठे पे हमारे पास क्या है, पी एक्स बराबर है एल एक्स प्लस एम, एल एक्स जमा एम और एक्स की जगह माइनस एम बटे एल, तो हमने पी माइनस एम बटे एल निकालना है, एक्स की जगह माइनस एम बटे एल, एल गुणा में माइनस एम बटे एल और प्लस का एम, एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम सेम हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये हमारे पास पार्ट था सिक्स पार्ट, तो यहाँ पे एक्स बराबर है माइनस एम बटे एल क्या है, शून्यक है, ठीक है। उसके बाद सेवंथ पार्ट, हमारे पास तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक, पी एक्स का मान है तीन एक्स स्क्वेयर माइनस एक और यहाँ पे दो वैल्यू पे बताना, हमने एक्स की जगह माइनस एक बटा वर्गमूल तीन, एक्स की जगह माइनस एक बटा वर्गमूल तीन रख दीजिए इसमें, तीन गुणा में माइनस एक बटा वर्गमूल तीन का स्क्वेयर और माइनस एक, सॉल्व करोगे माइनस का स्क्वेयर तो प्लस हो जाएगा, तीन एक का स्क्वेयर एक और वर्गमूल तीन गुणा में, वर्गमूल तीन गुणा में वर्गमूल तीन क्या वैल्यू हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ठीक है। माइनस एक, तीन से तीन कट गया, एक माइनस एक क्या आ गया, शून्य, ये तो शून्यक हो गया। दूसरा, एक्स की जगह दो बटे वर्गमूल तीन, दो बटे वर्गमूल तीन, तो तीन गुणा में दो बटे वर्गमूल तीन का स्क्वेयर माइनस एक, तीन गुणा में दो का स्क्वेयर हो गया चार और वर्गमूल तीन का स्क्वेयर पहले की तरह कितना हो गया, तीन माइनस एक, तीन से तीन कैंसिल हो गया, चार माइनस एक कितना हो गया, तीन।
तो यहाँ पे x बराबर है माइनस एक बटा वर्गमूल तीन शून्यक है, दो बटा वर्गमूल तीन शून्यक नहीं है क्योंकि वो जीरो के बराबर नहीं आया था। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या है, आठवां जो भाग है इसका वो है पी एक्स बहुपद है 2x प्लस एक, बहुपद है 2x प्लस एक और किसके ऊपर निकालना है एक बटा दो पे, x का मान एक बटा दो रखेंगे, दो x की जगह एक बटा दो रखा प्लस एक, दो से दो कट गया तो यहाँ पे बचा एक प्लस एक, ये हो गया दो, लेकिन दो तो जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x बराबर एक बटा दो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। देखा आपने, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब इसका हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2.2 का चौथा क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। हमारे पास सात भाग दिए हुए हैं, पहला मैंने आपको बताया शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, इसको जीरो के बराबर पुट करना है, पी एक्स का मान जो मेरा है वो है एक्स प्लस पाँच, शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स प्लस पाँच को शून्य के बराबर पुट कर दीजिए, ये पाँच इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यही हमारा क्या है शून्यक है, शून्य क्या हो गया माइनस पांच। दूसरा बहुत ही आसान सा है, दूसरा क्या है सेम इसी तरह पी एक्स बराबर यहां पे एक्स प्लस पांच की जगह एक्स माइनस पांच है, इसको भी शून्य के बराबर पुट करेंगे तो एक्स माइनस पांच बराबर शून्य, एक्स बराबर है पांच तो शून्यक जो हमारा बना वो कितना आ गया पाँच आ गया। तीसरा, तीसरे पार्ट में हमारे पास पी एक्स जो है वो है दो एक्स प्लस पाँच, तो दो एक्स प्लस पाँच को शून्य के बराबर रख देते हैं, पहले पाँच उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, अब दो एक्स के साथ गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा माइनस पाँच बटे दो, तो शून्यक हमारे पास जो आ गया वो हो गया भाई माइनस पाँच बटे दो। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट इसका जो चौथा भाग है तीन एक्स माइनस दो, पी एक्स बराबर है तीन एक्स माइनस दो, इसको भी शून्य के बराबर पुट करेंगे, तीन एक्स माइनस दो बराबर शून्य, तीन एक्स बराबर दो उधर जाके किसका हो गया प्लस का, अब तीन उधर जाके भाग का होगा दो बटे तीन, तो शून्यक जो हमारा हुआ वो हो गया दो बटे तीन। इसके बाद पांचवें भाग में पी एक्स जो है वो हो गया हमारा तीन एक्स, इसको शून्य के बराबर पुट करेंगे, एक्स बराबर जीरो बटे तीन, जीरो बटे तीन मतलब जीरो हो गया, तो हमारा शून्य क्या आ गया शून्यक हो गया शून्य ही आ गया यहाँ पे। इसके बाद है पी एक्स बराबर है ए एक्स, तो यहाँ पे इन्होंने बोला ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो ये पहले ही जीरो हो जाएगा, अब ये और ये सेम है बस तीन की जगह यहाँ पे इन्होंने ए लिख दिया, तो मैं ए एक्स बराबर जीरो रखूँगा, एक्स बराबर जीरो बटे ए, तब भी हमारे पास क्या आएगा जीरो ही आएगा शून्य ही आएगा, तो हमारे पास जो शून्यक बना वो हो गया जीरो। लास्ट में हमारे पास क्या है पी एक्स बराबर है सी एक्स प्लस डी, और सी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं, यहां पे सी एक्स प्लस डी को आप शून्य के बराबर पुट करेंगे तो डी इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो गया माइनस, ये इस तरह का है ये, ठीक है C की जगह 2 हो गया, D की जगह 5 हो गया, अब C इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा भाग में हो जाएगा माइनस D बटे C हो गया, तो शून्य का मान क्या हो गया माइनस D बटे C। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, बहुत ही आसान सी थी, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया। अब हम साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम
कुछ डिवाइड का भाग का प्रश्न करते हैं। मान लीजिए आपके पास 21 को भाग करना है आपने 5 से, 5 से भाग करना है, 5 का 20 और 1, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है, ठीक है, ये हमारा भाजक होता है, ये भाज्य होता है। तो जो भाज्य होता है हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, भाज्य जो होगा वो भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल होता है। भाज्य 21 है हमारा, भाजक 5 है, भागफल कितना 4 प्लस 1, 5 का 20 और 1 21, यही हमने किया है छोटी क्लासेज में, हम करते आए हैं। अब ये जो सेम चीज़ है वही हमारे पास बहुपदों में होती है। मान लीजिए मैं एक बहुपद ले लेता हूँ, बहुपद है मेरा 3x2 प्लस एक्स और माइनस 1, ये हमारा एक बहुपद है। इसको मैंने किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड करना है, सपोज भाग करना है x प्लस 1 से, किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से हमने भाग करना है। तो यह आप कर चुके हो पहले वाली क्लासेज में, क्या कितने पे जाएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता सर कितने पे जाएगा। यहाँ पे जो अधिकतम पावर है, घात है, वो 2 है, तो इस वाली वैल्यू को 3x2 को किससे भाग करें, यहाँ पे जो अधिकतम भाग घात है ये x, इसको आप भाग करोगे, यहाँ पे x की घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी, तो मेरे पास मान कितना बचा 3x, मतलब ये कितने पे जाएगी वैल्यू, 3x पे जाएगी। अब 3x को इन दोनों से गुणा करेंगे, 3x गुणा में x 3x2, 3x को 1 से गुणा करेंगे, प्लस का 3x, माइनस माइनस घट भाग कर रहे हैं तो वैसे घटता है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x है, तो माइनस के कितने बचेंगे 2x और माइनस का 1। अब कितने पे जाएगा, इसको माइनस 2x को किससे भाग कर दें, x से, तो x x कैंसिल होकर कितने पे जाएगा, माइनस 2 से, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे, माइनस 2x और माइनस का 2। अब हमारे पास क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये भी प्लस, कैंसिल तभी होगा, माइनस 1 प्लस 2, तो प्लस का कितना बचा 1। तो ये हमारा भागफल है, ये हमारा क्या है, शेषफल। इसका मतलब जो हमारे पास भाज्य जो था 3x2 प्लस एक्स प्लस माइनस 1, ये किसके बराबर है, भाजक x प्लस 1 गुणा में भागफल और प्लस शेषफल। हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो हम लंबी जो भाग विधि है उसे करते हैं। अब हम जो मेन पॉइंट है हमारा वो है शेषफल प्रमेय, उसके ऊपर आते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, मान लीजिए पी एक्स 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, ये हमारा पी एक्स है, मैंने ये मान लिया पी एक्स, ठीक है, 1 या 1 से अधिक घात के वाला एक बहुपद है। और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाता है, यहाँ पे किस वैल्यू से, यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं x माइनस माइनस 1, x प्लस 1 बन रहा है ना ये, ठीक है, या हम x प्लस 1 को शून्य के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास x a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस 1। अगर मैं इससे भाग कर रहा हूँ ये, इसका मतलब यही है, तो शेषफल जो है वो पी ए होता है। शेषफल जो होगा वो लंबे विभाग के बजाय हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, ए का मान मेरा कितना हो गया, माइनस 1 हो गया, मतलब पी माइनस 1। अब हम इससे निकाल के देखेंगे क्या शेषफल हमारा 1 ही आ रहा है। हमारे पास पी एक्स जो है वो कितना है, 3x2 प्लस का x माइनस 1, हम किससे भाग कर रहे थे, x प्लस 1 से, शून्य बराबर करके आप a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे निकालना है PA और a का मान कितना आ गया, माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इसमें पुट करें, 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस का माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो मेरे पास जो शेषफल हुआ, शेषफल कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी कितना हो गया,
एक हो गए। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय है और इस एक्सरसाइज में हम इसी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स की 3+3, एक्स की 2+3x+1, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल, शेषफल प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। सॉल्यूशन देखें, ये हमारे पास बहुपद है और बहुपद का मान हमने क्या रख दिया, पी एक्स। एक्स की 3+3x+2+3x+1 पहले पार्ट में किससे भाग कर रहे हैं हम, एक्स प्लस एक से। तो एक्स प्लस एक को शून्य के बराबर पुट करके इसकी वैल्यू एक ही मान, ए का मान निकालना हमने, एक्स बराबर माइनस एक। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक। अब इसका मतलब शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से जो शेषफल है, पी ए ही हमारा शेषफल होता था, शेषफल जो होगा वो क्या होगा हमारा, पी माइनस एक। जो ये वैल्यू होगी वो हमारी शेषफल होगी। तो शेषफल निकाल देते हैं, एक्स का मान माइनस एक रखूं मैं, माइनस एक की पावर 3+3 गुणा में माइनस एक की पावर 2+3 गुणा में माइनस एक और प्लस का एक। माइनस एक की पावर 3 माइनस एक, माइनस एक की पावर 2 प्लस का एक रहेगा, प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को माइनस एक से गुणा किया, माइनस 3 और प्लस का एक। माइनस एक प्लस एक कैंसिल, 3 - 3 क्या हो गया, शून्य हो गया। ये क्या हो गया, शून्य हो गया। यही हमारे पास शेषफल क्या आ गया, शून्य। अच्छा, यहाँ से एक बात और पता चलती है कि अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है, नीचे शून्य आ जाता है, तो वो उसका क्या होगा, हल भी होगा, शून्य भी होगा। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, एक्स प्लस एक इसका क्या है, एक एक्स बराबर माइनस एक इसका क्या है, शून्य है। और एक्स प्लस एक इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो इसका गुणनखंड भी होगा। ठीक है, अब दूसरा पी एक्स तो हमारे पास यही है, यहाँ से एक्स माइनस एक बटा दो बराबर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ x का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल जो होगा वो क्या होगा, p 1/2। x की जगह 1/2 पुट कर दीजिए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास शेषफल होगी। तो p 1/2, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, 1/2 की पावर 3 प्लस 3 गुणा में 1/2 की पावर 2 प्लस 3 गुणा में 1/2 और प्लस का 1। 1/2 की पावर 3 1/8 हो गया, प्लस 3 गुणा में 1/4 हो गया, प्लस 3 गुणा 1/2 मतलब 3/2 हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। अब इनका लघुत्तम कितना होगा, इनका लघुत्तम हो गया 8, 8 एकम 8, 1 गुणा में 1 1, प्लस 4 × 8 2 × 3 6 हो गया, प्लस 2 × 4 8 4 × 4 3 12 हो गया, प्लस इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 8 एकम 8 हो गया, 12 × 8 = 20 + 26 और 1 = 27। तो 27/8 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे भाग में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस पाई। तो एक्स प्लस पाई को 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई। तो ए का मान माइनस पाई हो गया। क्या लिखेंगे हम, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, पी माइनस पाई। एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, माइनस पाई पुट कर देना है। रखेंगे तो पी माइनस पाई, एक्स की जगह माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 गुणा में माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 गुणा में माइनस पाई और प्लस का 1। माइनस पाई की पावर 3 माइनस पाई की 3 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, तो प्लस का 3 पाई की 2 3 गुणा में माइनस पाई माइनस 3 पाई और प्लस 1 आपका इसमें आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5+2x, इसको शून्य पुट करें और यहाँ से 2x की वैल्यू
माइनस पाँच एक्स की वैल्यू माइनस पाँच बटे दो, इसका मतलब एक्स का मान हमने क्या पुट करना है माइनस पाँच बटे दो। शेषफल प्रमेय से शेषफल जो होगा हमारा वो क्या होगा p माइनस पाँच बटे दो हो जाएगा। ठीक है, अब p माइनस पाँच बटे दो, एक्स की जगह माइनस पाँच बटे दो पुट करें हम, यहाँ पे माइनस पाँच बटे दो की शक्ति तीन हो गया, प्लस तीन गुणा में माइनस पाँच बटे दो की शक्ति दो हो गया, प्लस तीन गुणा में माइनस पाँच बटे दो और प्लस का एक हो गया। वैल्यू निकालें इसकी, माइनस तीन बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही रहेगा, 125 बटे आठ, ये प्लस का रहेगा, प्लस पाँच का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, दो का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस के तीन पंजे 15 बटे दो और प्लस का एक हो गया। अब लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना हो गया 8, तो माइनस का 125 प्लस 4 दुनिया 8, दो 75 को दो से गुणा किया 150 हो गया, दो चौके 8, माइनस के 15 चौके 60 हो गया और प्लस का हो जाएगा 8। 125 माइनस के 185 हो गए और प्लस के 158 बटे 8, माइनस के ज़्यादा हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी बची, माइनस के 27 बटे 8 आपका आंसर। यहाँ पे प्लस का 27 बटे 8 आया था, यहाँ पे माइनस 27 बटे 8 आया है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x की 3 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। हमारे पास हमने इसका नाम px रख दिया, px बहुपद क्या है, x की 3 माइनस ए एक्स की 2 प्लस का 6x माइनस a, किससे भाग करना है x माइनस a से, तो हम क्या करेंगे x माइनस a को 0 अगर मैं पुट कर दूं तो x का मान क्या होगा a हो जाएगा। तो शेषफल प्रमेय से जो शेषफल होगा हमारा वो क्या होगा पी ए, तो x की जगह a पुट कर दीजिए, a की 3 माइनस a गुणा में a की 2 प्लस का 6 गुणा में x की जगह a हो गया माइनस ही, ये हो गया a की 3 माइनस a की 3, a की 3 a गुणा में a की 2 माइनस a की 3, 6a में से a घटाओगे कितना हो गया 5 है, ये खत्म हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 ए हो गया। बहुत ही आसान सा आंसर था। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, 3x की 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड कब होगा, जब ये इसको पूरा पूरा भाग करे, पूरा पूरा भाग करेगा तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो क्या होगा शून्य। तो हम शेषफल प्रमेय से पहले शून्य निकालने की कोशिश करें। माना हमने px इस बहुपद को नाम दे दिया px, 3x की 3 प्लस 7x है। अब 7 प्लस 3x को मैं क्या पुट करूंगा 0, 3x x ये 7 उधर जाके माइनस का हो गया, x का मान माइनस 7 बटे 3। शेषफल प्रमेय से हमारे पास शेषफल क्या होगा, ये हो गया पी ए, पी ए मतलब पी माइनस 7 बटा 3, एक्स की जगह पुट कर दीजिए 3 गुणा में माइनस 7 बटे 3 की पावर 3 और प्लस 7 गुणा में माइनस 7 बटे 3, ये माइनस ही रहेगा, 3 गुणा में माइनस 7 का पावर 3 343 होता है और बटे 3 × 9 = 27, माइनस का 49 बटे 3, 3 से इसको काट दीजिए कितना हो गया 9। अब इन दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 9 हो गया, माइनस 343 माइनस 3 × 9 गुणा करें 39 को 3 से गुणा करोगे 147, 9
चार माइनस 490 बटा 9, क्या ये जीरो के बराबर है? जीरो के बराबर नहीं है, शून्यक, ये इसका शून्यक नहीं है, तो इसका मतलब 7 प्लस 3x, 3x की 3 प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस से जरूर करें, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, चार प्रश्न हैं, ये आपने घर से करने हैं। अभी आप इस वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? उसके बाद आप इनको अभ्यास कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।